Okay, hello guys, welcome to VFX Aura. So in this class we are going to see how you will be able to make chair. तो start करते हैं. सबसे पहले मैं एक simple chair बना के आपको दिखा दे रहा हूँ. Then उसके बाद फिर हम create करेंगे एक proper chair. तो chair के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, box select करना है. एक chair के लिए हम बैठने वाले area के लिए एक box ले लेते हैं. यहाँ पे हमारा वो box आ गया. अब chair आप दो तरीके से बना सकते हो. एक आप single poly बना सकते हो, जो कि आप इसी में से एजेस डाल के एक्सट्रूड करके निकाल के प्रॉपर एक चेयर बना सकते हो. अदरवाइज फिर आप अलग अलग पार्ट्स को भी अलग अलग बॉक्सेस से बना सकते हो. तो यहाँ पे हमने एक बॉक्स ले लिया जिससे हमने सिटिंग एरिया बना दिया. देन आफ्टर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसको कन्वर्ट करना है एडिटेबल पॉली में, ताकि हम इसे इसमें चेंजेस कर सकें. तो उसके लिए हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली. देन आफ्टर एडिटेबल पॉली में आप जाओगे मॉडिफाई टैब में. यहाँ पे दो टैब होते हैं, एक आपका क्रिएट टैब होता है जहाँ पे आप सारी चीज़ें क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हो. मॉडिफाइड टैब हम यूज़ करते हैं उन चीज़ों में चेंजेस करने के लिए. तो यहाँ हमें सबसे पहले क्या करना है, दो एजेस इधर के साइड में डालने हैं, दो इधर के साइड में डालने हैं, उसी तरह दो हॉरिजॉन्टल, दो हॉरिजॉन्टल. तो उसके लिए हम एज सेलेक्ट कर लेते हैं. एज की शॉर्ट की आपकी टू भी होती है, वर्टेक्स वन, एज टू, आपका बॉर्डर थ्री, फेस फोर एंड एलिमेंट फाइव. ये आपके शॉर्ट कीज होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो. देन एज यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप एज सेलेक्ट कर लो. इन केस अगर अभी आपका कभी होता है कि यहाँ पे एजेस आपको दिख नहीं रही हैं, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ डिफॉल्ट सेटिंग में आओगे एंड यहाँ पे एज फेसेस ऑन कर दो. जब तक आपका एज फेसेस नहीं ऑन है आपको ये एजेस नहीं दिखेंगी. यहाँ पे हमने एज फेसेस ऑन कर दिया, यहाँ पे हमारा एक एज सेलेक्ट हो गया. देन आफ्टर आप ऑल्ट आर प्रेस कर दोगे तो आपका रिंग में सिलेक्शन आ जाएगा. रिंग सिलेक्शन बेसिकली क्या होता है कि एक सर्कुलर पार्ट पे इसे जितने भी एजेस मिलेंगे उन सारे एजेस को सिलेक्ट कर लेगा. रिंग सिलेक्शन करने का दूसरा तरीका होता है कि एक एज आप सेलेक्ट करो, यहाँ पे आपका रिंग लिखा हुआ है, यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो. तो रिंग मैंने प्रेस किया तो ये देखो हमारा रिंग में सिलेक्शन आ गया. जब भी हम कोई एज ऐड करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो उस टाइम पे हमें रिंग सिलेक्शन लेना ज़रूरी होता है ताकि मैसेज हमारे क्वाड मैसेज में मेंटेन रहे. तो यहाँ पे हमने एज सिलेक्शन ले लिया. देन उसके बाद फिर यहाँ पे कनेक्ट आप डाल दो. कनेक्ट में तीन चीज़ें होती हैं आपकी. सबसे पहले नंबर ऑफ एजेस, कितने नंबर ऑफ एजेस आप इंक्रीज करना चाहते हो. यहाँ पे आपको रेड कलर के एजेस दिख रहे होंगे. दूसरा आपका होता है डिस्टेंस बिटवीन एजेस, कि इन दोनों एजेस के बीच की डिस्टेंस कितनी हो. तीसरा आपका होता है एज स्लाइड, मतलब एज आपके लेफ्ट के तरफ स्लाइड हो या राइट के तरफ स्लाइड हो. तो हमें एज को सेंटर में ही रखना है. इनकी डिस्टेंस हम बढ़ा सकते हैं या आप अपने तरीके से भी क्रिएट कर सकते हो. यहाँ पे मैंने एज को सेंटर में रखा एंड इन दोनों एज को लेफ्ट एंड राइट में स्लाइड कर दिया. देन आफ्टर यहाँ पे क्या हो गया, बॉर्डर्स में हमारे दो एजेस आ गए. अब दो और हमें चाहिए, तो ऑल्ट आर एंड देन आफ्टर कनेक्ट एंड देन एज स्लाइड थोड़ा सा कम कर देते हैं ताकि इनके बीच की आपकी डिस्टेंस मेंटेन हो जाए, जितने बड़े भी आपको इसके पैर चाहिए. तो यहाँ पे हमने ले लिया, ओके. एंड देन आफ्टर यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ऑल्ट आर प्रेस करेंगे एंड कनेक्ट अगेन. इंक्रीज कर दो आप एरिया कॉर्नर में, पहले आप हमेशा कॉर्नर में लो. देन उसके बाद फिर अगेन सेलेक्ट, ऑल्ट आर फॉर रिंग सेलेक्शन एंड देन आफ्टर कनेक्ट. देन कनेक्शन की डिस्टेंस कम कर देते हैं. यहाँ पे हमारा फेस आ गया. अब हमें क्या करना है, बेसिकली हमें नीचे वाले फेसेस को एक्सट्रूड करना है ताकि इसके पैर बने. तो फेस सेलेक्शन के लिए मैंने अभी बताया था इसका शॉर्ट की होता है फोर, तो आप फोर प्रेस करोगे ऑटोमेटिकली ये सेलेक्ट हो जाएगा. देन इन नीचे के चारों फेसेस को सेलेक्ट करते हैं. कंट्रोल के साथ आप मल्टी सेलेक्शन ले सकते हो, कंट्रोल के साथ आप चारों को एक साथ सेलेक्ट कर लो. कंट्रोल क्लिक, कंट्रोल क्लिक, कंट्रोल क्लिक एंड कंट्रोल क्लिक से. देन उसके बाद नीचे आपको मिलेगा एक्सट्रूड. एक्सट्रूड के सामने वाले ऑप्शन बॉक्स पे आपको क्लिक करना है. इसी तरह जब आपने कनेक्ट यूज़ किया था, कनेक्ट के भी ऑप्शन बॉक्स पे आप टिक करोगे तो आपको यहाँ पे ये सेटिंग्स मिलती हैं. यहाँ पे मैंने इसके एक्सट्रूड वैल्यू को बढ़ा दिया. जितना भी आपको चाहिए चेयर की लेंथ वो आप यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो. तो मैंने कुछ इतनी ले ली. देन उसके बाद पीछे का पार्ट हमें चाहिए, तो उसके लिए हम इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको एंड इसको कंट्रोल के साथ. देन आफ्टर एक्सट्रूड दे देते हैं ऊपर के साइड में. ये ऊपर के साइड में हमारा इतना आ गया. अगर आपको एक्सट्रूड वैल्यू ज़्यादा लग रही है तो आप यहाँ से कम भी कर सकते हो. देन आफ्टर यहाँ पे आपको क्या निकालना है, इसके हाथ बैठने वाले. देन आफ्टर इसमें आपको पीछे से कनेक्शन देना है, बैक के फेसेस को मेंटेन करना है, साथ
साइड में आपको हैंडल्स रखने हैं, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ पे हम एच सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट कर लिए एच, ऑल्ट आर रिंग दे दिया हमने, एंड देन आफ्टर इसको कनेक्ट कर दिया हमने। यहाँ पे हमारा कनेक्शन आ गया, अभी भी हमारे नंबर ऑफ़ कनेक्शन 2 आ रहे हैं, हमें एक ही चाहिए, तो इसको नंबर ऑफ़ कनेक्शन 1 कर दो। अब कनेक्शन जो आ रहा है आपका बीच में आ रहा है, तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, ये होता है एज स्लाइड। अगर आपको कनेक्शन ऊपर के साइड में चाहिए तो इसको आप स्लाइड करके ऐसे ऊपर के साइड में लेके जा सकते हो, जहाँ पे आपने यहाँ कनेक्शन दिया है। उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हो, इसको यहाँ से फेस को सेलेक्ट करो कंट्रोल ई के साथ, इसके बाद यहाँ पे आप फेस को सेलेक्ट करो एंड यहाँ से एक्सट्रूड कर सकते हो। एक्सट्रूड हमने कर लिया, एक्सट्रूड की लिमिट आप सेट कर दो जितनी भी आपको चाहिए, मुझे थोड़ी सी कम चाहिए कुछ इतनी, मैं इतना ले लेता हूँ इसकी एक्सट्रूड लिमिट को। देन आफ्टर हमें क्या करना है कि इसके बीच में भी अगर आपको एजेस देने हैं तो वो भी आप दे सकते हो। यहाँ पे आप जाओ, टू प्रेस करो, एज आपका सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से हम एज सेलेक्ट कर लेते हैं, ऑल्ट आर से रिंग कर देते हैं एंड देन आफ्टर कनेक्शन दे देते हैं। और नंबर ऑफ़ कनेक्शंस अगर आपको इंक्रीज़ करने हैं तो यहाँ से आप नंबर ऑफ़ कनेक्शंस इंक्रीज भी कर सकते हो। अब एक चीज़ ध्यान दो, कनेक्शंस जब भी आप लो इवन में लो, ताकि आपका जो एक्सट्रूड आए वो ऑड में आए। तो यहाँ पे हम गए, देन आफ्टर यहाँ पे हम 4 के साथ फेस सेलेक्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4। अगर मान लीजिए गिज़मो आपको दिक्कत कर रहा है, इसको बंद करना है, तो आप क्यू प्रेस करो, आपका गिज़मो बंद हो जाएगा। देखो हमारा सिलेक्शन प्रॉपर आया है, क्योंकि नंबर ऑफ एजेस हमने इवन में लिए थे। देन आफ्टर यहाँ पे आप इसको एक्सट्रूड कर दो, नीचे के साइड हमने एक्सट्रूड कर दिया, कुछ इस तरह से आ गया आपका। अब यहाँ से आपको हैंडल बनाना है, तो हैंडल के लिए भी सेम प्रोसेस ही यूज़ करेंगे। यहाँ पे जाएंगे इसको एंड देन आफ्टर कंट्रोल के साथ इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आके एक्सट्रूड कर देंगे, एक्सट्रूड की वैल्यू हम कम कर देते हैं कुछ इतनी, देन आफ्टर ओके करते हैं। अब इन दोनों पे हमें क्या देना है, एजेस देने हैं, तो यहाँ पे सेलेक्ट करो, इस एज को सेलेक्ट करो, क्योंकि हमें इस पे एक वो देना है, एज लूप देना है, जो कि हमारा किस पे जाएगा, इधर के साइड में निकल के आएगा। तो उसके लिए हम क्या किए, एक एज को सेलेक्ट किए, ऑल्ट आर फॉर रिंग एंड देन आफ्टर कनेक्ट, नंबर ऑफ कनेक्शंस हमें एक ही चाहिए, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कनेक्शन आप 1 कर दो एंड एज को स्लाइड करके आप ऊपर के साइड में कर दो, जहाँ भी आपको रखना है मेंटेन करके रख दो। देन तुरंत ही अगर आप इस पे कनेक्शन दे दोगे तो ये क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली आपकी लास्ट वैल्यू फॉलो करता है, तो एग्जैक्ट आपकी उसी जगह आ जाएगा जहाँ पे आपने इसमें दिया है। देन आफ्टर आपको 4 प्रेस करना है, 4 के साथ आपका क्या होगा, फेस सेलेक्ट हो जाएगा, फेस यहाँ यहाँ आपने सेलेक्ट कर लिया एंड देन आफ्टर आप एक्सट्रूड दे दो, एक्सट्रूड अमाउंट आप इंक्रीज कर दो। अब इन केस अगर आपको लग रहा है कि ये चेयर आपका ज़्यादा आगे के साइड चला गया है, तो उसके लिए आप चेंजेस भी कर सकते हो। चेंजेस हम किस पे करेंगे, वर्टेक्सेस पे करेंगे। यहाँ पे आप जाओ, वर्टेक्सेस पकड़ो, इधर आगे के सारे वर्टेक्सेस हम ग्रैब करते हैं, डब्ल्यू के साथ इधर पीछे के साइड में ले आते हैं। चेयर आपका ज़्यादा लंबा लग रहा है तो आप नीचे के सारे वर्टेक्सेस पकड़ो, ऊपर के साइड में कर दो। जितना अच्छा आपका वर्टेक्सेस पे काम रहेगा उतना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। तो ये हमारा चेयर बनके रेडी हो गया है। अगर आपको इसमें थोड़े बहुत और चेंज करने हैं, थोड़ा फैंसी चाहिए, तो इसको आप ऐसे करके पीछे के साइड में स्लाइड कर सकते हो। ये आपका आ गया चेयर। जब भी आपका काम आ जाए हो जाए, आप इससे आप बाहर निकल जाओ। ये हमारा सिंगल पॉलिसी चेयर बना है।